जय श्री राम झांसी वालों, जय जय श्री राम। सबसे पहले मैं आप सबको बधाई देना चाहूँगा हमारे स्वतंत्रता दिवस जो 15 अगस्त को है, और इस बार हम लोग 73 ईयर्स ऑफ फ्रीडम सेलिब्रेट करेंगे। तो सबसे पहले आदर आदाब अभिनंदन आभार। मित्रों, मैं संकेत कचन, आपका गुड ओल्ड फ्रेंड फ्रॉम झांसी बाज़ार प्लेटफॉर्म, एक सच्चा और वीर बुंदेली, और मैं आज आप लोगों को कुछ बातें बताने आया हूँ जो दिल छूने वाली हैं। आज़ादी के 73 साल हम इंजॉय करने जा रहे हैं, और मैंने सोचा आज ही से ही अपनी आज़ादी शुरू कर देता हूँ, बिकॉज़ एक दिन की आज़ादी की सेलिब्रेशन मुझे समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने आज से शुरू कर दिया। और ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ कि आप लोग को दो तो तीन दिन तक कोशिश करूँ आप लोगों को दिखाऊँ। सेलिब्रेशन शुरू करूँ उससे पहले मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा हमारे इंडिया के इतिहास के बारे में, ज़्यादा समय ना लेते हुए, कि अगर आप देखो इन्वेजन से पहले इंडिया, चंद्रगुप्त मौर्य, विक्रमादित्य आपके और पृथ्वीराज चौहान, इनकी डायनेस्टी हुआ करती थी। उसके बाद इन्वेजन हुआ, महमूद अफ गज़नी ने आके 17 बार 18 बार इन्वेजन किया, और एक नया रिलीजन हमारे लैंड में आया, और उसने काफ़ी राज किया फिर हिंदुस्तान के ऊपर। और जो लोग हिंदुस्तान को दिल से पसंद करते थे, इंडिया को दिल से, भारत को दिल से पसंद करते थे, वो यहाँ रह गए, और जिनको नहीं पसंद था वो यहाँ से चले गए। और ऑब्वियसली जो यहाँ पे पैदा हुए उनको इस धरती से लगाव हो गया, और ऑटोमेटिकली उस हिसाब से वो आगे बढ़ता गया, चलता रहा ऐसे ही। और फिर उसके बाद एक और रिलीजन आया जिसने आकर के फिर हम लोगों को ग़ुलाम बनाया, और फिर हमारे ऊपर उन्हीं का राज रहा बहुत लंबे समय तक, जो जाकर के 1947 में हमको आज़ादी मिली। उस तरह से फिर वो रिलीजन भी हमारे साथ घुल मिल गया, और चूंकि इंडिया के लोग जो पुराने विक्रमादित्य ज़माने से थे, पृथ्वीराज चौहान के ज़माने से थे, वो इतने मिलनसार थे, हर किसी के साथ घुल मिल के जाते थे, या हम लोग इतने ज़्यादा राज किए गए हैं कि हम लोग को उस पर कुछ ऑब्जेक्शन नहीं हुआ, और हमने कहा कि ठीक है, हमें जो प्यार करता है इस देश को, जो प्यार करता है वो इस वक्त यहाँ रहेगा तो हमारे भाई की तरह ही रहेगा, और हम ऐसे करके एक मिल के एक राष्ट्र हमने बनाया जिसका नाम हमने इंडिया रखा। तो आज का इंडिया जो है वो बिल्कुल भारतीय है, बिल्कुल इंडियन है, और हमें सबसे पहले फ़ख्र होना चाहिए बोलने में कि हम इंडियन हैं, ना कि हम यू नो हिंदू हैं या मुस्लिम हैं या क्रिश्चियन हैं या सिख हैं या ईसाई हैं। हमारे देश में एक ये चीज़ बहुत जल्दी हमें अपने नौजवानों के अंदर डालनी पड़ेगी, जितना जल्दी हम अपने आप को भारतीय बोलें, इंडियन बोलें, वो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो एक बार फिर हम बहुत जल्दी गुलामी के उस पर आ सकते हैं, क्योंकि बगल का देश जो विस्तारवादी की नीति रख के बैठता है, उस वो घात लगाए बैठा है कि ये लोग अपने त्योहारों और अपने जातिवाद उन सब कचरों में फंसे रहें, और हम इनके पास फिर से एक बार पहुँच जाएँ इन पर राज करने के लिए। तो अब ये हम पे डिपेंड करेगा कि हम इसको किस तरह से रोक सकते हैं, और अपने आप को इंडियन पहले दिखाएं और देश को पहले आगे रखें, और उसके बाद हम अपने आप को अपने तरह से कुछ समझें। ये ज़रूरी इसलिए है, मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि अगर आप ध्यान से देखें हमारा देश के इतिहास में यही रहा है। जब हम लोग हिंदू डायनेस्टीज़ रूल करती थी तो हम लोग छोटे छोटे ज़िलों में बटे हुए थे, सबका अपना अपना एक राज्य था, कभी एक लीडरशिप नहीं थी, और उसके चलते लोगों ने आकर के हमारा भरपूर फ़ायदा उठाया। फिर बाद में जब दूसरे रिलीजन आए, एक बहुत ज़बरदस्त मुस्लिम डायनेस्टी चली, लेकिन उनका भी प्रॉब्लम यही रहा कि वो लोग आपस में लड़ते रहे, बाप ने बेटे के साथ, बेटे ने बाप के साथ जो किया वो एक हिस्ट्री है, और उसके चलते हमारे ऊपर एक और रिलीजन आ गया राज करने के लिए, एक और देश आ गया जो ब्रिटिशर्स थे, और उन्होंने हम पे काफ़ी राज किया। बहुत मुश्किल से हम लड़े, सब कुछ किया, हमने आज़ादी ली, लेकिन वो जानते थे हमारी कमज़ोरी क्या है, और हमको फिर भी बांट के चले गए दो कंट्रीज़ में, जो आज हकीकत है, और हमें ये भी मालूम है कि आज वो कंट्री हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो मेरा कहने का मतलब इसलिए है कि अगर हम आज भी नहीं समझेंगे कि हम क्या कर रहे हैं अपने साथ, तो कल को एक देश बैठा हुआ है घात लगाए कि हम इस पर कब हमला करके इनको अपना गुलाम दोबारा बनाएं। और देखिए, अभी 100 साल भी नहीं हुए हमारी आज़ादी के, जिस तरह से हम आज खड़े हैं, जितने सशक्त तरीके से खड़े हुए हैं, और हर किसी की लीडरशिप में, हर गवर्नेंस की लीडरशिप में हम आगे बढ़े हैं। अब अगर हम वापस से वही चीज़ करते हैं, तो इतने सालों की गुलामी जो कि 800-900 साल से ज़्यादा की हो, और उसके बाद हमारी 100 साल की आज़ादी भी नहीं हुई, और उसके बाद हमारे साथ अगर ये दोबारा से ऐसा होता है, तो एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा, सतर्क रहें और इस बात को समझें। हमें पहले दिल से बोलना चाहिए कि हम इंडियन हैं, हमारी पैदाइश यहाँ की है,
हम इंडिया के लिए करना चाहते हैं, हम इंडिया के सपूत हैं, हमें इंडिया को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी होगी, ना कि अपने छोटे छोटे आइडेंटिटीज़ को। इस बात को गांठ बांध दीजिए, हम भारतीय हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हम इंडियन हैं। हाँ, ये बात अलग है कि हमारी एक पहचान थी जो है, लेकिन आज वो कल्चरली डाइवर्सिफाइड हो गई, हम उसे भी नहीं नकार रहे हैं। हर किसी का यहाँ पे बराबर से हक है हिंदुस्तान के ऊपर। हाँ, हिंदुस्तान अपनी पुरानी पहचान पाना चाहता है, जिसमें कोई बुराई नहीं है। आज अगर वो फ्री हुआ है तो पुराना अपनी पहचान वापस ला सकता है, और उसमें हर एक इंडियन को जो दिल से इंडियन है उनको बिना कुछ सोचे समझे उसमें मदद करनी चाहिए। हम अपने रिलीजन्स को अच्छे से यहाँ पे इंडिया में बनाते हैं, हमें किसी भी धर्म को पालन करने में इंडिया में कोई रोक टोक नहीं है। हमारे इंडिया, हमें गर्व है ये कहते हुए कि हमारे इंडिया एक वो कंट्री है जहाँ पे टेंपल्स भी हैं, मॉस्क भी हैं और चर्च भी हैं, सब हैं, और सब एक से एक बड़े और एक से एक बढ़िया और एक से एक बेहतरीन है। तो इस चीज़ का हमको फ़ख्र होना चाहिए, और इस चीज़ को संजोने के लिए ज़रूरी है कि हम इसको एक ऊपर एक कवर करें जिसका नाम रखें हम इंडियन। तभी हमें जाकर के लोग बाग समझेंगे और हम इन चीज़ों को और आगे ले जा पाएंगे जो हमारे अपने खुद की पहचान है। लेकिन देखिए ना, आप 73 ईयर्स हो जाने के बावजूद भी हमारे इंडिया की कुछ लोगों की सोच जो है हमें आज़ादी अच्छे से मनाने नहीं देती। हमारी आज़ादी बहुत कीमती है हमारे लिए। अगर हमने आज़ाद होने के बाद आज अपना कूड़ा घर का जो होता है या कार के अंदर हो जाता है, बच्चों के साथ जम जाते हैं, अगर रोड पे नहीं फेंका तो काहे की आज़ादी। अब अगर हमें नेचर्स कॉल लग गया और हमें नंबर वन जाना है तो हम कहाँ जाएँ? तो आज़ादी उसे कहते हैं जब हम बाहर खड़े हो जाएं, किसी भी दीवार पे खड़े होकर के हमने कर दिया अपना आराम से खुली हवा, तो वो आज़ादी की फीलिंग होती है। आज़ादी क्या होती है? आप किसी को भी अगर कोई अच्छी से ड्रेस पहन के नहीं जा रहा है, मैं उसको आँखों से पूरा घूर लूँ, उसको अच्छे से देख लूँ, उसे आज़ादी कहते हैं। आज़ादी और किसे कहते हैं? आज़ादी कहते हैं उसको जब हमारा कोई असमीज़ भाई बाहर निकले, हमारा कोई सिक्किम से भाई निकले और हम उसको बोलें अरे मोमो क्या हालचाल, उसे आज़ादी कहते हैं। हमारे खुला छूट है हमें कुछ भी बोलने की, राइट ऑफ स्पीच है, हम उसे कुछ भी बोल सकते हैं। और ऐसी चीज़ों का आज़ादी, सबसे बड़ी आज़ादी जो हमारे को गुलामी में भी किसी ने दी थी, छोटा मोटा करप्शन करते रहो, अपनी जेब भरते रहो, आज़ादी का यही मतलब है, जब कोई रोक टोक ना हो और हमें किसी का डर ना हो, हम आराम से अपराध कर सकें, हमें मालूम है कि हम किसी को थोड़ा सा पैसा दे देंगे हम फ्री हो जाएंगे। करप्शन चल रहा है, अच्छे से बढ़ा रहा है, हमारे लिए आज़ादी का मतलब ये है। मैं जानना चाहता हूँ आप लोगों से, क्या आप लोग यही आज़ादी इंजॉय करना चाहते थे? क्या आज भी हम अपने बच्ची से बोलें कि भैया कपड़े बिल्कुल पूरा कवर करके बाहर निकलना, आज़ादी यही कहती है हमको? बहुत शर्म की बात है। क्या हम अपने कूड़ा जो हम घर पे उसे रख रहे हैं, क्या हमें कार से बाहर निकाल के खिड़की से बाहर रोड पे कहीं भी फेंकने की आज़ादी को हम आज़ादी कहते हैं? क्या हम अपने घर का कूड़ा सिर्फ घर में इकट्ठा करके बाहर गली में कहीं फेंक दें उसे हम आज़ादी कहते हैं? क्या हमारा वो भाई जिसके टुकड़े हमने किए स्टेट्स बना करके, जो हमारे आर्मी का एक बहुत सशक्त सिपाही है, उसको हम मोमोज कह कह करके उसको डिलीजेंटली उसको डिमीन करें उसे हम आज़ादी कहते हैं? मुझे नहीं लगता सर, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं से आज़ादी नहीं कह पाऊँगा, आज भी हम गुलाम हैं। अगर आप आज़ाद होना चाहते हैं तो इन सब चीज़ों से पार पाइए। जो कोई बाहर गंदगी कर रहा है, आप जाइए उसके पास, कहिए मैं एक इंडियन हूँ, प्लीज़ आप ये मत करिए, जो भी आप कर रहे हैं आप इंडियन नहीं हैं, ये कूड़ा उठाइए और अपने साथ घर लेके जाइए, इसे प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ कीजिए। जो भी कोई बाहर खुले में कर रहा है उसके पास जाइए, बोलिए मैं साहब इंडियन हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा आप इस तरह से कर रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए, यहाँ पे लेडीज़ खड़ी हैं, बच्चे खड़े हैं, आप जाइए जगह पे जाकर के, इतने बने हुए हैं आजकल, किसी भी रेस्टोरेंट में किसी ने मना नहीं किया है, आप वहाँ जाके करिए, ठीक है? ये ज़रूरी है। आप कोई भी किसी को मोमोज बोल रहा है, कोई भी किसी को चिंकी बोल रहा है, ऐसे मत करिए, उनकी डिग्निटी है, उनके पास उनकी मदद नहीं कर सकते, उनकी भाषा नहीं समझ सकते आप, तो उनको डिमीन मत कीजिए, उनको वो लुक्स मत दीजिए, वो आपके भाई बहन हैं, वो आपके देश को कहीं ना कहीं सशक्त करते हैं, प्लीज़ उनका मान रखिए, उनका 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 टेम्परामेंट बढ़ाइए, उन्हें फील होने दीजिए कि वो इंडिया के पार्ट है, उन्हें अच्छा लगना चाहिए वो आप तक आए और आपसे कह सके कि मुझे साहब इस चीज़ की ज़रूरत है, उनकी मदद कीजिए। वो लोग हार्डकोर इंडियन लोग हैं, अपने देश का बहुत मान रखते हैं, ऐसा कीजिए। और सबसे बड़ी बात, ये छोटे छोटे पैसे लेकर के अपना फ़ायदा, छोटा सा अपना कुछ फ़ायदा, अपना फ़ायदा करना छोड़िए साहब, अपने देश के लिए सोचिए। सबसे ज़रूरी है, मैं
एक वो छोटा सा जिस कहते ना कि मतलब एक इंडिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पे किसी आर्मी ले जाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ के लोगों को ही हम अपनी आर्मी बना लेते हैं, बस पैसा ले जाओ बाकी सब बिकता है वहाँ। अपनी पहचान मत खोइए, हम लोग इंडियंस हैं, हमारे कुछ प्रिंसिपल्स रहे हैं, हम लोग अपने देश पे मर बैठने वाले लोग थे, ये छोटे छोटे अपने फ़ायदे के लिए हम इस चीज़ को खोने लग गए। हमारी आत्मा पता नहीं कैसे इस चीज़ को वो कर लेती है। आज भी चाइना को अगर कुछ चाहिए तो वो हमको यहाँ बेचता है, उसे मालूम है हिंदुस्तानी बहुत ज़्यादा पैसों के लिए वो होते हैं, ज़रा सा पैसा दो टूट जाएंगे। हम फिर दोबारा से हमारे ऊपर वो गुलामी की नौबत ना आए, इससे बचिए, ये बहुत ज़रूरी है। मैं ये कहना चाहता हूँ आप सब लोगों से, अगर सच्ची आज़ादी अपन को बनानी है, और आज 73 इयर्स हुए हैं, 100 इयर्स के बाद हमें और सशक्त होना है, हमें इन कुछ चीज़ों पे अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा। हमें वुमेन को एम्पावरमेंट देना पड़ेगा, हमें उन्हें अपने बराबर का दर्जा देना पड़ेगा, हमें उनकी बराबर से इज्जत करनी पड़ेगी। और जब हम ये सब कर पाएँ तो किसी ने क्या खूब बोला है कि कह लेना शान से अपने आप को, हिंदुस्तान तुम आज़ाद हो, जब खुद करने लगो अपने आप को हिंदुस्तान के मान के बराबर, तो कह देना मेरा भारत महान।